हेलो बच्चा पट्टी, कैसे हो तुम लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और पढ़ाई आप लोग का सही से चल रहा होगा। पीछे वाले होमवर्क कर चुके होंगे आप लोग। आज क्लास 12th एक्सरसाइज 14 का सी बुक फॉलो करें, आर एस अग्रवाल। टॉपिक के समय स्पेशल इंटीग्रेशन। 14 का सी का हम 1 से लेकर 20 तक कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन करेंगे 21 नंबर से, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है आपके पास। एक्स क्या है यहाँ पर? इंटीग्रेशन एक्स प्लस वन रूट अंडर टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। तो यहाँ क्या आ गया? लीनियर। ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक। तो इसको क्या मानेंगे हम? लीनियर वाले को मानेंगे, बराबर में ए। उसके बाद रूट के अंदर जितना है उसका क्या करेंगे हम? डिफ्रेंशिएशन। अब प्लस थ्री, अब प्लस कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म भी, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, एक्स प्लस वन ए सही है, इसका टू तो सही, एक्स स्क्वायर का टू एक्स था। टू एक्स इंटू टू कितना? यहाँ फोर एक्स हो जाएगा। अब प्लस इधर से कितना है? थ्री। थ्री तो कॉन्स्टेंट है तो इसका तो जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका? जीरो। तो यहाँ तो जैसे यहाँ सिर्फ कितना हो जाएगा? फोर एक्स और प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। क्या करते हैं इसके बाद हम लोग? कंपेयर करते हैं। क्या कंपेयर करते हैं हम लोग? एक्स वाले को एक्स के इक्वल, विदाउट एक्स वाले को विदाउट एक्स के इक्वल। तो मतलब यहाँ हो जाएगा एक्स बराबर कितना? फोर ए एक्स। एक्स एक्स कट गया तो इधर वन बराबर कितना? फोर ए। तो ए बराबर कितना? वन बाई फोर। ए निकल गया। अब चलो वन बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से? बी। तो बी का वैल्यू कितना निकला? इधर से वन निकल गया। ए और बी का वैल्यू क्या? इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, पुट ए इक्वल्स टू कितना? वन बाई फोर। एंड बी इक्वल्स टू कितना? वन इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट है एक्स प्लस वन, यहाँ यहाँ सॉरी इसको नहीं वन मानते हैं, इसको मानते हैं ना वन, इसको वन मानिए, ठीक है ना। तो एक्स प्लस वन इक्वल्स टू कितना? ए। तो ए की जगह कितना? वन बाई फोर। और यहाँ फोर एक्स। और प्लस बी, बी की जगह कितना देंगे? वन। इसको ऐसे ही तोड़ेंगे, ऐसा नहीं कि वन बाई फोर से मल्टीप्लाई कर दे रहा, नहीं। अब क्या करना है? नो, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या है? एक्स प्लस वन इन टू रूट अंडर कितना? टू एक्स स्क्वायर और प्लस थ्री इधर डी एक्स, ठीक है ना। एक्स प्लस वन की जगह पर आप वन बाई फोर इन टू कितना? फोर एक्स और प्लस वन लिख सकते हैं, सॉरी फोर एक्स को ब्रैकेट के अंदर में और प्लस वन को अलग, और यहाँ रूट अंडर टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इन टू डी एक्स, ठीक है ना। अब इसको क्या करो? सेपरेट कर लो। वन बाई फोर कॉन्स्टेंट है बाहर, यहाँ हो जाएगा कितना? फोर एक्स इन टू कितना? दिस वन, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इन टू डी एक्स, ठीक है ना। प्लस दिस वन इन टू वन, तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा? रूट अंडर टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इन टू डी एक्स, ठीक है ना। अब क्या करना है? लेट आई इक्वल्स टू वन बाई फोर, यहाँ से इस पूरा को मान लीजिए आई वन, प्लस इसको मान लीजिए आप आई टू। आई वन और आई टू को सेपरेटली सॉल्व करो। अब I1 वन इक्वल्स टू कितना? रूट अंडर यहाँ पर है कितना, सॉरी 4x, और रूट अंडर कितना है? 2x स्क्वायर प्लस थ्री डी एक्स, ठीक है ना। रूट के अंदर जितना भी उसको मानो, तो 2x स्क्वायर प्लस थ्री मानने के बाद क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएशन। 2 तो सही है, x स्क्वायर का 2x, तो यहाँ एक के बार हम 4x लिख सकते हैं, 3 कॉन्स्टेंट है तो 0। तो यहाँ कितना हो जाएगा? dy वाई इक्वल्स टू फोर एक्स आई इन टू डी एक्स हो जाएगा। अब चलो इंटीग्रेशन आई वन इक्वल्स टू, देखो फोर एक्स आई इन टू डी एक्स इसकी जगह तो dy, और यहाँ पर हो जाएगा कितना? रूट वाई, और ये हो जाएगा dy। रूट वाई का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ाया है आपको? अरे क्या पढ़ा है? नहीं पता कितना होता है? देखो y का पावर कितना है इधर से? वन बाई टू इधर dy। रूट का मतलब पावर कितना होता है? हाफ। इधर से देखो, भूलते हो तुम लोग बहुत, जितना पावर उसमें ऐड कर दो नया पावर से डिवाइड कर दो। तो आई वन इक्वल्स टू वाई का पावर कितना है इधर? थ्री बाई टू, और यहाँ भी हो जाएगा थ्री बाई टू। तो आई वन इक्वल्स टू ये बट्टा पलट देंगे तो ये हो जाएगा टू बाई थ्री, ये कितना हो जाएगा? टू अपॉन थ्री, और वाई का पावर कितना है इधर से? थ्री बाई टू। अब आई वन इक्वल्स टू टू अपॉन थ्री तो सही है, वाई की जगह पर क्या पुट करेंगे यहाँ? टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री और पावर थ्री बाई टू, यहाँ पर है आपके पास टू एक्स स्क्वायर, ये रहा आपका आई वन। आई वन पता चल गया। आपको क्या करना है? आई टू को सॉल्व करना है। तो आई टू कौन सा? यही वाला पार्ट है ना, देखो इधर आई टू इजक्वस टू, आई टू इजक्वस टू कितना है? रूट अंडर टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इधर डी एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखा है तो आई टू अपने जगह सही है, रूट अंडर, यहाँ देखो
फॉर्मूला क्या कहता है, दोनों टर्म का अपना अपना स्क्वायर होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, टू एक्स के स्क्वायर है, तो हम 2 को क्या रूट एक्स रूट टू एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और इधर से 3 है, तो 3 को हम क्या कर सकते हैं, रूट 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ रहा डी एक्स, ठीक है ना। अब ये कैसा काम करेगा x, और ये क्या काम करेगा a का, कौन फॉर्मूला, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, कौन सा बीच में प्लस है, थर्ड नंबर क्या कहता है, x बाई टू, इट मीन्स कितना, रूट टू एक्स बाई टू, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहता है, रूट अंडर कितना, रूट के अंदर में जितना भी है उसको लिख दीजिए, एक्स यहाँ हो जाएगा रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस ये रहा आपके पास रूट थ्री का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब आगे क्या कहता है, ए स्क्वायर बाई टू, तो ए स्क्वायर बाई टू मतलब कौन सा, इधर से देखो रूट थ्री का होल स्क्वायर बाई टू, उसका लॉग मॉड ऑफ कितना एक्स, तो एक्स की जगह पर कितना आपके पास रूट टू एक्स है, तो आप यहाँ रूट टू एक्स दीजिए प्लस रूट अंडर कितना, रूट के अंदर जितना भी उसको लिख दीजिए, तो रूट टू एक्स का होल स्क्वायर, अब प्लस इधर से कितना रूट थ्री का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ देखो, एक चीज़ समझना है आपको कि सर रूट टू एक्स का जो कोफिशियंट होता है इंटीग्रेशन में उसका लगता है, उससे डिवाइड लगता है, तो सारा टर्म में डिवाइड किससे देना पड़ेगा आपको, किससे देना पड़ेगा, वन बाय रूट टू से देना पड़ेगा। तो इस वन बाय रूट टू को पूरे होल में नहीं दे करके हम इसको यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, वन बाय रूट टू, और यहाँ ब्रैकेट लगा दो आप, ठीक है ना। अब देखो कितना शानदार हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ देखो वन अप रूट टू से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो तो वन बाय रूट टू, ये रहा रूट टू एक्स और अपॉन टू, इसको सॉल्व कर दोगे तो टू एक्स स्क्वायर प्लस इधर से थ्री, इधर रूट थ्री का स्क्वायर करोगे तो थ्री बाई टू, ये हो जाएगा लॉग, लेकिन ये वन बाय रूट टू यहाँ आ जाएगा, तो इधर से हो जाएगा कितना थ्री अपॉन कितना टू रूट टू, लॉग मोड ऑफ कितना रूट टू एक्स प्लस इधर से कितना रूट टू का स्क्वायर करोगे तो टू, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर करोगे तो थ्री, ठीक है ना। ये और ये वाला पार्ट कैंसिल आउट, तो एक्स अपॉन टू, और यहाँ कितना बचा टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, थ्री बाय कितना टू रूट टू, ये रहा आपके पास लॉग मॉड ऑफ कितना इधर से रूट टू एक्स प्लस रूट अंडर कितना टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, यही हो जाएगा क्या आपका, ये रहा आपका आई टू। और आपको निकालना है क्या, आपको आई वन आई निकालना है, तो आई बराबर कितना वन बाई फोर इंटू आई वन, यहाँ पर क्या लिखिएगा, लिखिए नाउ आई इज इक्वल टू वन बाई फोर आई वन और प्लस आई टू, तो आई इज इक्वल टू कितना वन बाई फोर आई वन, आई वन क्या वैल्यू टू बाई थ्री, तो यहाँ पर है कितना टू अपॉन थ्री, और यहाँ कितना है टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, और ये रहा थ्री बाई टू, ठीक है ना। प्लस यहाँ पर से देखो ये वाला वन बाई फोर से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब इधर कितना आई टू, तो आई टू है तो इस वाले टर्म को बस लिख दो प्लस, इधर से कितना एक्स अपॉन टू रूट अंडर यहाँ पर से टू एक्स स्क्वायर होगा ना टू एक्स स्क्वायर, तो ये रहा आपका टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री प्लस कितना इधर थ्री अपॉन कितना टू रूट टू लॉग मॉड ऑफ कितना रूट टू एक्स प्लस इधर से कितना हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, ठीक है ना। देखो ये से इसको काट दोगे तो यहाँ हो जाएगा वन अपॉन सिक्स हो जाएगा, ये रहा आपका टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री थ्री बाई टू, ये एक्स बाई टू रूट अंडर इधर से कितना टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री प्लस थ्री अपॉन यहाँ हो जाएगा टू रूट टू लॉग मॉड ऑफ कितना टू रूट इधर से हो जाएगा रूट टू एक्स प्लस रूट अंडर यहाँ हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री प्लस कोई भी कॉन्स्टेंट है सी, यही फाइनल आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। वो 22 नंबर क्वेश्चन है, एक्स रूट अंडर वन प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो फिर से देखो एक्स बराबर कितना ए, उसके बाद क्या करेंगे रूट के अंदर जितना भी है उसका डिफरेंशिएशन, वन प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म भी, एक्स बराबर ए, इसका जीरो, इसका कितना हो जाएगा वन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स और प्लस बी इसको टू, सॉरी ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, एक्स बराबर कितना ए से मल्टीप्लाई करो माइनस टू ए एक्स और प्लस बी, देखो एक्स बराबर हम इधर से कितना ए और प्लस बी को एक साथ लिख लो और माइनस टू ए एक्स को एक साथ, अब कंपेयर करोगे तो x वाले को x के इक्वल, तो माइनस टू ए एक्स 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 कट गया, तो a बराबर कितना इधर 1 है तो इधर माइनस वन बाई टू हो जाएगा। अब देखो इसमें विदाउट x वाला नहीं है तो ये हो जाएगा कितना इधर 0 बराबर किसके a प्लस बी के, तो 0 इज कॉस टू कितना माइनस ए वन बाई टू, ये रहा b
तो बी इज इक्वल टू कितना, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस वन बाई टू, ए और बी निकल गया। ए और बी का वैल्यू हम इक्वेशन वन में पुट करेंगे, तो यहाँ लिखिए आप पुट ए इज इक्वल टू कितना माइनस वन अपॉइंट टू एंड बी इज इक्वल टू कितना वन बाई टू इन किस में, इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है ना। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट कहाँ आपके पास, दिस वन, तो यहाँ आराम से आप x लिखिए, उसके बाद a, a की जगह हम क्या पुट करेंगे माइनस वन अपॉन टू, उसके बाद वन माइनस टू एक्स अपने जगह सही है। अब यहाँ रहा b, तो b की जगह पर कितना वन बाई टू, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम क्वेश्चन लिखेंगे, यहाँ इतना करने के बाद हम होल्ड करेंगे इसको, इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब चलो नाउ आई इक्वल्स टू एक्स, एक्स की जगह पर क्या पुट करोगे माइनस वन बाई टू इंटू वन माइनस टू एक्स प्लस वन बाई टू, और रूट अंडर कितना है इधर से वन प्लस एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर इधर डी एक्स, ठीक है ना। अब सेपरेट कर लो दिस वन इंटू दिस वन प्लस वन बाई टू इंटू दिस वन, ठीक है ना। आ जाओ इधर, यहाँ पर हो जाएगा आई इज कॉस्ट टू, देखो माइनस वन बाई टू कॉन्स्टेंट है बाहर करो, तो वन माइनस टू एक्स इंटू दिस वन लिखेंगे, तो माइनस वन बाई टू बाहर, ये रहा वन माइनस टू एक्स, और रूट अंडर इधर से कितना हो जाएगा वन प्लस एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, फिर प्लस वन बाई टू से मल्टीप्लाई करोगे तो वन बाई टू कॉन्स्टेंट है बाहर कर दोगे, रूट अंडर इधर हो जाएगा वन प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इधर रहा डी एक्स, ठीक है। अब इधर से क्या करो, लेट आई इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, इस वाले को मान लीजिए आप आई वन, प्लस वन बाई टू इस वाले को मान लीजिए आप आई टू, तब आई वन बराबर इधर से कितना हो जाएगा वन माइनस टू एक्स, इधर से कितना हो जाएगा रूट अंडर वन प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर से क्या करेंगे, देखो रूट के अंदर वाले को मानिए, लेट हमने माना वाई बराबर वन प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स, वन कॉन्स्टेंट है डिफरेंस करके जीरो, जीरो को तो नहीं लिखना है। अब यहाँ पर से कितना हो गया आपके पास, देखो x का कितना हो जाएगा वन, इधर एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा माइनस टू एक्स, तो माइनस टू एक्स लिखिए। अब डी वाई इक्वल टू कितना वन माइनस टू एक्स, इस डी एक्स को इधर मल्टीप्लाई करो, तो देखो दिस वन आई इंटू डी एक्स, इसके जगह पर हम डी वाई पुट करेंगे, और रूट अंडर इसके जगह पर कितना वाई, और यहाँ हो गया डी वाई। तो आई वन इक्वल टू कितना रूट वाई का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या पढ़ा है टू अपॉन थ्री, और वाई का पावर कितना है इधर से थ्री बाई टू, यही होता है ना। चलो तो I1 वन इज कॉस टू टू अपॉन थ्री तो सही है, y की जगह पर क्या लिखेंगे वन प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इसका पावर थ्री बाई टू हो गया। अब चलो अब क्या है आपके पास I, I2, तो I2 कौन सा टर्म है, ये वाला टर्म है, तो अब लिखो यहाँ पर से I2 टू इज कॉस टू रूट अंडर कितना वन प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो क्या करते हैं, जब आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस में होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम में हम इसको करते हैं माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेगा तो माइनस वाला प्लस, तो माइनस वन माइनस एक्स और प्लस इधर से एक्स स्क्वायर, ये रहा डी एक्स। उसके बाद क्या करते हैं एक्स स्क्वायर को पहले लिखो फिर माइनस एक्स माइनस वन को बाद में, ठीक है ना। अब यहाँ देखो अब फाइनली आप आई टू इज इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं, रूट अंडर में आपके पास माइनस अपनी जगह सही है, एक्स स्क्वायर रहने दो अपनी जगह, माइनस टू एक्स इंटू वन बाई टू कर दो, क्योंकि सर इसमें टू से वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर टू टू कर जाएगा तो माइनस एक्स बच जाएगा, और ये वन बाई टू किसका काम करेगा, बी का काम करेगा, तो बी तो ठीक है बी स्क्वायर चाहिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे के लिए, तो बी स्क्वायर नहीं है, तो क्या करेंगे क्या करेंगे वन बाई टू का होल स्क्वायर ऐड कर दो, माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, और ये वाला माइनस वन है तो इस वाला माइनस वन को लास्ट में लिख दो, ठीक है। अब ये अब यहाँ ब्रैकेट ये वाला लगाओ, ठीक है। यहाँ देखो I2 टू इज इक्वल्स टू रूट अंडर, यहाँ देखो ये माइनस अपनी जगह सही है, यहाँ से यहाँ तक एकदम ध्यान से देखो कौन फार्मूला, x माइनस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर, और यहाँ कितना वन बाई फोर माइनस वन, लेकिन यहाँ भी माइनस कॉमन ले लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये रहा dx, ठीक है। अब I2 टू इज इक्वल्स टू यहाँ फाइनली कितना हो जाएगा, देखो माइनस तो सही है x माइनस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा कितना फोर एलसीएम लोगे तो चार एक कितना हो जाएगा पाँच बट्टा चार हो जाएगा, अरे होगा तो I2 टू इज इक्वल टू, अब देखो इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे अंदर में, तो ये वाला प्लस ये वाला माइनस, तो फाइव अपॉन फोर को पहले और माइनस कितना x माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर, ये रहा डी एक्स। I2 टू इज इक्वल टू इधर इसको क्या रूट फाइव और अपॉन टू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं,
और ये रहा x माइनस कितना 1 बाई टू का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला रहेगा बोलो बोलो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये रहा आपका काम करेगा किसका, a का, और ये काम करेगा x का। कौन सा फॉर्मूला, फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर क्या कहता है, क्या कहता है, x बाई टू, इट मीन्स कितना x माइनस 1 अपॉन 2 बाई टू। उसके बाद क्या कहता है, रूट अंडर, सर रूट के अंदर जितना भी है उसको लिख दीजिए, लिख दिए। उसके बाद कहता है प्लस ए स्क्वायर बाई टू, तो प्लस ए स्क्वायर बाई टू इट मीन्स रूट फाइव अपॉन टू का होल स्क्वायर बाई टू। उसके बाद क्या कहता है, साइन इनवर्स कितना एक्स बाई ए, तो एक्स कितना है आपके पास, एक्स माइनस वन बाई टू अपॉन कितना ए, ए की जगह कितना रूट फाइव अपॉन टू, ठीक है ना। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्रीन शॉट लो। चलो बच्चों अब I2 को इसके आगे सॉल्व करना है इधर, तो I2 इज इक्वल टू यहाँ पर से देखो 2 एलसीएम लोगे तो 2x माइनस 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x माइनस 1 बाई 2 I इंटू कितना, नीचे में जो 2 है बट्टा पलट देंगे तो ये 1 बाई 2। रूट अंडर कितना, देखो ये वाला टर्म ये है, इसका ये टर्म है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, मतलब ये वाला टर्म कहाँ से आया था आपके पास, यहीं से आया था। तो इस इसके अंदर में हम क्या 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हो तो रूट फाइव बाई टू का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 5 अपॉन 4, नीचे में जो 2 है ये वाला 2 क्या हो जाएगा बट्टा पलट जाएगा तो 1 बाई 2। उसके बाद साइन इनवर्स, देखो नीचे में 2 एलसीएम लोगे तो 2x माइनस 1, और उसके नीचे में क्या है रूट फाइव बाई 2, ये वाला कैंसिल आउट, इधर से कितना बचा आपके पास I2 इज इक्वल टू ये रहा आपका 2x माइनस 1 और अपॉन 4 22 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्लस यहाँ पर से कितना हो जाएगा 5 अपॉन कितना 8, ये रहा आपका साइन इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन कितना इधर रूट 5, ठीक है। ये रहा आपका I2, लेकिन आपको क्या निकालना है, आपको निकालना I, तो I का वैल्यू कितना है माइनस 1 बाई 2 इंटू I1, और प्लस कितना इधर से 1 बाई 2 इंटू I2। तो I1 हम कितना निकाले थे, जितना भी निकाले थे हम इसको यहाँ लिख दिए, ठीक है ना। तो चलो I1 माइनस 1 बाई 2, ठीक है, और I1, I1 का वैल्यू है 2 अपॉन 3 इंटू 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 इंटू कितना I2। तो देखो इस 1 बाई 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, देखो जहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1, ठीक है ना, और अपॉन कितना इधर से 8 हो जाएगा, और रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, देखो ये वाला 1 बाई 2 से यहाँ करोगे तो कितना हो जाएगा 5 अपॉन कितना इधर 16, और ये रहा साइन इनवर्स 2x माइनस 1 और अपॉन कितना रूट 5 और प्लस कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म c। यहाँ ये कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा कितना माइनस 1 बाई 3 हो जाएगा, ठीक है ना। फाइनल आंसर आपका यही हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीन शॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। 24 नंबर क्वेश्चन है 6x प्लस 5 रूट अंडर दिस वन। फिर से देखो ये लीनियर ये क्वाड्रेटिक, क्या करेंगे लेट बराबर में a, अंदर वाले को क्या करोगे डिफरेंशिएशन, 6 का कांस्टेंट है तो डिफरेंस करेंगे 0, इसका हो जाएगा 1 और इसका कितना हो जाएगा 4x, अब प्लस कोई भी कांस्टेंट टर्म भी, ये रहा इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ कंपेयर करोगे तो 6 पहले इसको सॉल्व करो तो a माइनस 4ax अब प्लस b, ठीक है ना। यहाँ देखो 6x प्लस 5, यहाँ माइनस 4ax को पहले लिख लो और a प्लस बी को बाद में ब्रैकेट लगाओ, x वाले को x को इक्वल करो तो 6x इक्वल टू कितना माइनस 4ax, x x कट गया, दूसरे काटो दूना 4 द्वितीया 6 तो 3 इक्वल टू कितना माइनस 2a, a का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 3 बाई 2 हो जाएगा। अब चलो यहाँ पर से अब 5 इक्वल टू कितना है, यहाँ a प्लस बी लिखेंगे क्योंकि ये विदाउट x वाला है, तो 5 इज इक्वल टू कितना ए के जगह पर माइनस 3 बाई 2 और प्लस इधर से b, 5 इसको इधर ले आओ तो प्लस 3 बाई 2 इक्वल टू b, इसको b का वैल्यू निकालोगे 5 दूना 10 3 13 बट्टा में 2 हो गया। अब क्या कर दो पुट a बराबर कितना माइनस 3 बाई 2 और b बराबर कितना 13 बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट यही है, तो ये रहा आपका 6x प्लस 5, उसके बाद है a, तो a के जगह पर कितना माइनस 3 बाई 2 और कितना है 1 माइनस 4x
प्लस बी, तो बी के जगह पर 13 अपॉन कितना है इधर से 2, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम क्वेश्चन लिखेंगे। तो नाउ अब डायरेक्ट एक क्वेश्चन की जगह पर देखो, 6x प्लस 5 है ना, इसके जगह पर हम ये टर्म लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। ये रहा माइनस 3 बाई 2, अब 1 माइनस 4x प्लस कितना है इधर 13 बाई 2, ब्रैकेट बंद, और रूट अंडर कितना है यहाँ 6 प्लस एक्स माइनस कितना 2x स्क्वायर, ये रहा dx, ठीक है ना। अब सेपरेट करो दिस वन इंटू दिस वन प्लस दिस वन इंटू दिस वन, तो इसको सेपरेट कैसे करते हैं देखो, इधर i इज इक्वल टू देखो माइनस 3 बाई 2 का कॉन्स्टेंट है, तो आप यहाँ माइनस 3 बाई 2 को बाहर रखिए, रूट अंडर कितना हो जाएगा 1 माइनस कितना 4x, रूट नहीं 1 माइनस 4x हो जाएगा सिर्फ, और रूट के अंदर में इस वाले टर्म को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो रूट अंडर 6 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर इंटू dx, प्लस 13 बाई 2 कॉन्स्टेंट है बाहर होगा इंटू दिस वन, तो 13 अपॉन 2 इंटू कितना रूट अंडर 6 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर, ये रहा dx। अब इसको मान लो लेट i इज कॉस टू माइनस 3 बाई 2, ये पूरा इंटीग्रेशन है, इसको मानिए आप i1 और ये रहा 13 बाई 2, इसको मानो i2। अब i1 को अलग सॉल्व करो, i2 को अलग सॉल्व करो। अब यहाँ लिखो i1 इज कॉस टू 1 माइनस इधर से 4x, रूट अंडर से कितना इधर 6 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर, ये रहा dx। रूट के अंदर जितना भी उसको मान लो, तो y बराबर 6 प्लस एक्स माइनस कितना इधर 2x स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखो यहाँ हो जाएगा 1 क्योंकि ये 0 कॉन्स्टेंट का 0, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस इधर से कितना 4x क्योंकि एक्स स्क्वायर का 2x और माइनस 2 पहले से था, यहाँ माइनस 4x हो जाएगा, हो जाएगा। अब डीवाई इज इक्वल टू 1 माइनस 4x तो सही है, इस वाले dx को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो i1 वन इज कॉस्ट कितना दिस वन आई टू दिस वन, इसके जगह पर dy, और यहाँ क्या बचेगा रूट वाई, इधर हो जाएगा dy। रूट वाई का इंटीग्रेशन क्या बताएं, अभी पढ़ाएं क्या होता है 2 अपॉन 3, अब y का पावर कितना 3 बाय 2, तो i1 वन इज कॉस टू 2 अपॉन 3 तो सही है, y के जगह पर क्या लिखेंगे 6 प्लस एक्स और माइनस 2x स्क्वायर इसका पावर 3 बाय 2, ये I1 खत्म। अब क्या करना है आपको I2, तो I2 कौन सा है, ये वाला पार्ट है, तो I2 है आपके पास कितना है रूट अंडर कितना है 6 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर dx। अब यहाँ देखो क्या खतरनाक हो गया, इधर से माइनस 2 आ गया यहाँ पर, तो सबसे पहले बात माइनस 2 कॉमन ले लो, तो माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस कितना x बाय 2, अब प्लस इधर से कितना x स्क्वायर, ये रहा dx। देखो इधर से रूट 2 बाहर कर दो और यहाँ माइनस रहने दो, अब यहाँ एक्स स्क्वायर को पहले फिर एक्स बाई टू को बाद में, अब माइनस थ्री को सबसे लास्ट में इधर डी एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ देखो आई टू इज कॉस टू रूट टू सही है, रूट अंडर देखो यहाँ पर ये वाला माइनस अपनी जगह सही है, रहने दो, यहाँ एक्स स्क्वायर भी ठीक है माइनस टू ए, अब कितना x बाई टू चाहिए और यहाँ पर 2a, तो अपने तरफ से लिखते हैं x बाई टू चाहिए, तो उस साइड आपको क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 बाई फोर से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, यहाँ पर 1 बाई फोर, अब 1 बाई फोर कैसा काम किया, b का काम किया, इसका मतलब b स्क्वायर चाहिए, तो b स्क्वायर नहीं है तो ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो, और ये वाला माइनस 3 पहले से था इसको सबसे लास्ट में लिख दीजिए आप, ठीक है ना, और ब्रैकेट बंद। देखो इधर आई टू इज इक्वल टू रूट टू, क्या लिखाता है जी, देखो माइनस तो अपने जगह सही है, यहाँ से यहाँ तक कौन सा फॉर्मूला, एक्स माइनस वन अपॉन फोर का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, माइनस कॉमन ले लो, वन बट्टा फोर का स्क्वायर तो वन अपॉन 16, अब प्लस इधर से 3, प्लस 3 कैसे, ये वाला जो ना माइनस कॉमन ले लिए हैं, ठीक है। अब आई टू इज कॉस टू रूट टू, समझ में आ रहा है ना, माइनस यहाँ सही है, एक्स माइनस वन अपॉन फोर भी ठीक है, इसका होल स्क्वायर माइनस, देखो इधर मल्टीप्लाई इसको क्या करोगे, एलसीएम लोगे तो 16 यहाँ 48 49 यानी 49 अपॉन कितना हो जाएगा, इधर से 16 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 49 अपॉन कितना इधर 16, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ हो गया आपके पास आई टू इज इक्वल टू रूट टू, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, तो ये हो जाएगा कितना 49 और अपॉन कितना इधर से 16, प्लस सॉरी माइनस, इधर से कितना हो जाएगा एक्स माइनस वन अपॉन फोर का होल स्क्वायर, और ये रहा डी एक्स, ठीक है। आई टू इज इक्वल टू रूट टू, और रूट अंडर इधर देखो इसको क्या, सेवन अपॉन कितना फोर का होल स्क्वायर, एक्स माइनस कितना वन बाई फोर का होल स्क्वायर, ये रहा डी एक्स। ये कैसा काम करेगा ए का, ये कैसा काम करेगा एक्स का, कौन फार्मूला फर्स्ट सेकेंड थर्ड, कौन सा फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर फार्मूला क्या कहता है, आई टू इज कॉस टू
रूट टू, ब्रैकेट लगाओ, क्या कहता है x बाई टू, इट मीन्स x माइनस वन अपॉन फोर बाई टू। उसके बाद क्या कहता है रूट अंडर, रूट के अंदर में जितना भी है उसको लिख लो, यहाँ x माइनस वन बट्टा फोर का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, इट मीन्स सेवन बाई फोर का होल स्क्वायर अपॉन टू। उसके बाद क्या कहता है साइन इनवर्स x बाई ए, तो x माइनस वन बाई फोर और अपॉन ए, तो ए की जगह कितना है सेवन बाई फोर, सेवन बाई फोर। और यहाँ ब्रैकेट बंद, ठीक है। आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, क्योंकि इस वाले को हम रब करेंगे, इधर वाले को टर्म किधर लिखेंगे, ठीक है। स्क्रीन शॉट ले लो, अब बच्चों आ जाओ, आई टू को हम यहाँ से फिर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर से कितना है बाहर में रूट टू, अपने जगह सही है, इसको रहने दो, ब्रैकेट लगाओ। यहाँ देखो एलसीएम लेंगे तो फोर एक्स माइनस वन, यहाँ हो जाएगा कितना फोर एक्स माइनस वन और अपॉन फोर इन टू ये वाला टू से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा एट, ठीक है ना। अब रूट अंडर इधर से कितना, देखो ध्यान से इसको सॉल्व करोगे तो ये वाला टर्म या यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से ये, और यहाँ से ये कौन सा टर्म, यही वाला टर्म होता है। तो हम रूट के अंदर में क्या सिक्स प्लस एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस कितना यहाँ ए स्क्वायर बाई टू, तो सेवन का स्क्वायर कितना उनचास बट्टा सोलह और बट्टा में टू, ये वन बाई टू हो जाएगा, बट्टा पलट जाएगा, तो सोलह बट्टा कितना सॉरी उनचास बट्टा बत्तीस हो जाएगा, फोर्टी नाइन अपॉन कितना इधर से थर्टी टू। उसके बाद साइन इनवर्स, यहाँ एलसीएम लोगे, ये फोर एक्स माइनस वन है, कितना है यहाँ पर से सॉरी एक्स माइनस वन बट्टा फोर, तो एलसीएम लोगे तो फोर एक्स माइनस वन और अपॉन फोर, बट्टा पलट दोगे नीचे में सेवन बट्टा फोर को, तो फोर बट्टा कितना इधर से सेवन, कैंसिल आउट, ब्रैकेट बंद। आई टू इज इक्वल्स टू फाइनली इधर से हो जाएगा रूट टू, रूट टू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ हो जाएगा कितना देखो तो फोर एक्स माइनस वन और अपॉन एट और रूट अंडर इधर से सिक्स प्लस एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर, रूट टू से मल्टीप्लाई करो फोर्टी नाइन, रूट टू अपॉन इधर से थर्टी टू, और यहाँ साइन इनवर्स इधर हो जाएगा फोर एक्स माइनस वन अपॉन सेवन, ठीक है। ये रहा आपका कितना आई टू। नाउ अब आपको निकालना है क्या आई, तो आई इज इक्वल्स टू क्या है माइनस थ्री बाई टू, आई यही था ना, यही वाला टर्म आपका आई था माइनस थ्री बाई टू, तो यहाँ पर लिखिए आप कितना माइनस थ्री बाई टू इंटू आई वन प्लस थर्टीन बाई टू इंटू आई टू, तो आई इज इक्वल्स टू माइनस थ्री बाई टू आई वन, आई वन का वैल्यू कितना निकाला है यहाँ पर, यहाँ साइड में लिखे हैं टू अपॉन थ्री इंटू दिस वन, कितना होगा टू अपॉन थ्री, उसके बाद कितना है सिक्स प्लस एक्स माइनस कितना टू एक्स स्क्वायर, पावर कितना इधर थ्री बाई टू प्लस थर्टीन बाई टू से इधर सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि थर्टीन बाई टू इंटू आई टू करना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा थर्टीन रूट टू अपॉन कितना ये सिक्सटीन, और यहाँ हो जाएगा कितना फोर एक्स माइनस वन, और रूट अंडर इधर से कितना हो जाएगा सिक्स प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। फिर थर्टीन बाई टू से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो इधर से कितना होगा फोर्टी नाइन इंटू थर्टीन, तो प्लस इधर से कितना हो जाएगा फोर्टी नाइन इंटू थर्टीन और अपॉन कितना हो जाएगा थर्टी टू इंटू सिक्स, ये कितना हो जाएगा सिक्सटी फोर, बत्तीस दूना चौंसठ, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये रहा आपका फाइनली साइन इनवर्स कितना फोर एक्स माइनस वन और अपॉन सेवन, ठीक है ना। अब फाइनली अब यहाँ से देखो ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये से ये कट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जाएगा माइनस दिस वन और प्लस दिस वन, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे और प्लस कोई भी कॉन्स्टेंट है, यही फाइनल आंसर हो जाएगा आपका, क्लियर है। स्क्रीन शॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। 25 नंबर क्वेश्चन है, x प्लस वन रूट अंडर वन माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये लीनियर ये क्वाड्रेटिक, तो क्या करेंगे हम, लेट x प्लस वन इंटू ए, अंदर वाले को क्या करेंगे डिफरेंस वन का जीरो माइनस वन, इधर हो जाएगा माइनस टू एक्स प्लस बी, ये रहा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करके a और b का वैल्यू निकालो, तो x प्लस वन इज इक्वल टू कितना यहाँ माइनस ए माइनस टू एक्स और प्लस बी, एक्स प्लस वन बराबर माइनस टू ए एक्स को यहाँ लिख लो, यहाँ पर से b और माइनस ए को बाद में लिख लो, यहाँ ब्रैकेट लगा दो, x वाले को x के इक्वल कर दो, कट गया, तो a बराबर कितना इधर माइनस वन बाई टू, इसको इसके इक्वल करोगे b माइनस से वन इज इक्वल टू कितना b, a के जगह पर कितना माइनस वन बाई टू करोगे तो इधर प्लस हो जाएगा, वन माइनस वन बाई टू इज़ इक्वल टू b, तो b का वैल्यू निकालेंगे वन माइनस हाफ ही कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा। अब a और b का वैल्यू इक्वेशन वन में पुट कर दो, तो यहाँ पर लिखेंगे पुट a बराबर कितना माइनस वन बाई टू
और b बराबर कितना 1 बाई टू इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इंटीग्रेशन क्या है, सॉरी अभी इंटीग्रेशन थोड़ी, इक्वेशन फर्स्ट है ना, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ये वाला टर्म x प्लस वन बराबर a, तो माइनस वन बाई टू इधर है वन नहीं माइनस वन माइनस टू एक्स और प्लस बी तो वन बाई टू। उसके बाद इंटीग्रेशन क्या है आपके पास, देखो x प्लस वन तो x प्लस वन की जगह पर इसको रखो तो माइनस वन बाई टू माइनस वन माइनस टू एक्स और प्लस वन बाई टू, ये ब्रैकेट बंद रूट अंडर वन माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहा डी एक्स, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे, कितना सेपरेट करेंगे दिस वन देखो I इज इक्वल टू सेपरेट करेंगे, देखो माइनस वन बाई टू बाहर करेंगे और यहाँ हो जाएगा माइनस वन माइनस टू एक्स, एक्स को लिखने तो उसके बाद बताते हैं हम तुमको, वन माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये प्लस वन बाई टू बाहर था और रूट अंडर कितना वन माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहा डी एक्स। देखो ये ध्यान से इसको, इस पूरा को एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस वन बाई टू कॉन्स्टेंट है तो बाहर कर दिए दिस वन इंटू डी एक्स लिख दिए, प्लस वन बाई टू किससे करोगे तो ये क्या है वन बाई टू कॉन्स्टेंट है बाहर कर दिए इंटीग्रेशन टू दिस वन, ठीक है ना। अब चलो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको आई वन इसको आई टू, लेट माइनस वन बाई टू ये रहा आपका आई वन प्लस वन बाई टू ये रहा आपका आई टू। अब आई वन को सॉल्व करेंगे तो आई वन क्या है माइनस वन माइनस टू एक्स और रूट अंडर वन माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहा डी एक्स, राइट। अब यहाँ पर से लेट y इज इक्वल टू कितना वन माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करो रूट के अंदर में जितना भी उसको मानते हैं ना, वन कॉन्स्टेंट है जीरो, x का माइन x का वन यहाँ हो जाएगा टू एक्स। अब dy वाई बराबर इधर हो जाएगा माइनस वन माइनस टू एक्स साइन टू कितना इधर से dx। अब देखो i1 वन इज इक्वल टू दिस वन इन टू डी एक्स, इसके जगह पर dy और रूट अंडर इसके जगह पर कितना y, ये रहा dy, ठीक है। अब i1 वन इज इक्वल टू इसका क्या इंटीग्रेशन पढ़ाएं टू बाई थ्री और y का पावर कितना थ्री बाई टू पढ़ाएं, तो i1 वन इज इक्वल टू टू अपॉन थ्री सही है, y का पावर कितना थ्री बाई टू, तो y के जगह पर वन माइनस एक्स माइनस कितना इधर एक्स स्क्वायर पावर थ्री बाई टू, ठीक है ना। अब चलो अब i2 को सॉल्व करते हैं, तो i2 ये है तो i2 टू इज इक्वल टू क्या है इंटीग्रेशन वन माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और ये रहा आपका dx, क्या एक्स स्क्वायर माइनस में तो कॉमन लोगे तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, ठीक है। अब यहाँ देखो रूट अंडर इधर से माइनस तो सही है, एक्स स्क्वायर लिखो प्लस एक्स तो सही, इस टू अपने तरफ से फिर एक्स अपने तरफ से, यहाँ पर कौन सा ऐसा डिग्री देंगे कि एक्स पूरा होगा, तो सर वन बाई टू। अब ये वन बाई टू कैसे टू ए बी बी का काम किया तो बी स्क्वायर ऐड करेंगे, बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बी की जगह पर कितना वन बाई टू है, तो वन बाई टू का होल स्क्वायर कर दो माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर कर दो और ये वाला माइनस वन को लास्ट में कर दिए, ठीक है। अब देखो रूट अंडर यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा वन बाई फोर और माइनस माइनस प्लस वन इधर हो जाएगा डी एक्स, ठीक है ना। तो रूट अंडर देखो ये माइनस तो अपनी जगह सही है, चार एक कितना हो जाएगा पाँच बट्टा इधर से चार और ये रहा कितना इधर से डी एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला कितना माइनस। अब फॉर्मूला क्या कहते हैं, दोनों का अपना अपना स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है ना। तब एक काम करो इसका स्क्रीनशॉट लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम यहाँ आई टू इज इक्वल टू, देखो रूट अंडर फाइव अपॉन फोर है तो इसको हम रूट फाइव अपॉन टू का होल स्क्वायर माइनस इधर से एक्स प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, ये रहा डी एक्स। ये ए का काम करेगा, ये एक्स का काम करेगा, कौन फार्मूला फर्स्ट नंबर क्या कहते हैं फार्मूला एक्स बाई टू, इट मीन्स एक्स प्लस वन बाई टू और अपॉन टू। उसके बाद क्या कहता है रूट के अंदर जितना भी है उसको लिख दीजिए प्लस ए स्क्वायर बाई टू, तो इसका मतलब हो गया रूट फाइव बाई टू का होल स्क्वायर बाई टू, फिर साइन इनवर्स एक्स बाई ए तो एक्स प्लस वन बाई टू बाई ए, तो ए की जगह पर कितना रूट फाइव अपॉन टू, ठीक है। अब ये रहा आपका आई टू इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो टू एक्स प्लस वन
और अपॉन फोर, फोर कहाँ से आया जल्दी बोलो, फोर कहाँ से आया, ये वन बाई टू, ये नीचे में टू है बट्टा पर देंगे वन बाई टू, तो टू इंटू टू कितना फोर हो जाएगा, तो यहाँ वन बाई फोर लिख दिया। ये वाला टर्म को सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, क्या आता है बोलो, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म आता है, ठीक है ना। तो इसके जगह पर हम वन माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ हो जाएगा फाइव का स्क्वायर, यहाँ रूट फाइव का स्क्वायर फाइव, और टू का स्क्वायर फोर, इंटू टू टू कितना हो जाएगा एट, और यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स टू एक्स प्लस वन बाई टू, और यहाँ हो जाएगा रूट फाइव बाई टू, ये टू टू कैंसिल आउट। तो आई टू इज इक्वल्स टू, ये रहा आपके पास टू एक्स प्लस वन बाई फोर एंड रूट अंडर वन माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर फाइव अपॉन एट साइन इनवर्स टू एक्स प्लस वन, यहाँ हो जाएगा रूट फाइव। ये आपका रहा आई टू, निकालना क्या आपका आई, तो नो आई इज इक्वल्स टू कितना, आई इज इक्वल्स टू है दिस वन, क्या है माइनस वन अपॉन टू इंटू आई वन प्लस वन बाई टू इंटू आई टू। तो आप देखो यहाँ माइनस आई वन, आई वन कितना आपके पास ये वाला टर्म, तो माइनस वन बाई टू रहने दो यहाँ पर, और आई वन, आई वन की जगह पर टू अपॉन थ्री, उसके बाद कितना वन माइनस एक्स स्क्वायर इसका पावर थ्री बाई टू, ये वन बाई टू से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना टू एक्स प्लस वन अपॉन कितना चार दूनी आठ, उसके बाद रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव इंटू वन बाई टू, तो फाइव अपॉन कितना इधर से सोलह, और साइड इनवर्स इधर कितना टू एक्स प्लस वन, और अपॉन इधर से कितना रूट फाइव, इसको कर दो जो बचा आपके पास, फाइनल आंसर यही हो जाएगा। क्लियर है, यहीं तक कहानी था आपका 26 नंबर क्वेश्चन, आप लोग अपने से बनाइएगा, इसी के आधारित पर है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ठीक है। आपका एक्सरसाइज 14 का कम्प्लीटली ख़त्म हो गया, ठीक है। मिलते हैं हम अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, पढ़ाएंगे हम पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।